अस्सलामुअलैकुम। तो आज जो है अपना चैप्टर नंबर 4 उसके MCQs करेंगे, या जिसे रिव्यू एक्सरसाइज 4 भी कहते हैं बुक के मुताबिक, बराबर में चल रहे हैं। चैप्टर 4 जो है हमारा हायर ऑर्डर डेरिवेटिव एंड एप्लीकेशन। याद रखना ये चैप्टर ना ECAT के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि इससे MCQs बड़े पूछे जा रहे होते हैं। सही है। अच्छा, सबसे पहले MCQs देख लेते हैं। बहुत आसान MCQs है। आपको उन्होंने इक्वेशन दी हुई है y = 1/x। ठीक है, बेसिकली ये इक्वेशन लिखी हुई है, लेकिन आगे जाके इसे हम फंक्शन बना लेंगे, क्योंकि हमें जो है ना x की वैल्यू 1 पुट करनी है। लेकिन कब, ये याद रखना, आपने पहले 3 टाइम डेरिवेटिव लेना है उसकी वैल्यू, फिर उसके बाद x की वैल्यू 1 पुट करनी है। बात समझ आई? देखो, आपको ये इक्वेशन दी हुई है ना, इस इक्वेशन का 3 टाइम डेरिवेटिव ले लो, उसके बाद x की वैल्यू 1 पुट कर लेना। डायरेक्ट पुट नहीं करना, डायरेक्ट पुट करोगे तो ये तो 1 आ जाएगा, लेकिन 3 टाइम डेरिवेटिव लेने के बाद पुट करना। चलो पहली टाइम डेरिवेटिव लेते हैं। अच्छा, MCQs कर रहे हैं तो वर्डिंग कोई नहीं लिखेंगे, जस्ट डायरेक्ट डायरेक्ट काम करेंगे। ठीक है, पहली टाइम डेरिवेटिव होगा, यहाँ पर ये प्राइम बताएगा कि आपने पहला डेरिवेटिव हो रहा है। अच्छा, अब देखो डेरिवेटिव के लिए आपने क्या करना होगा, इसको ऊपर लाना होगा। तो ये हो गया आपका ये, तो अब ये हो गया माइनस, माइनस आगे आ गया, और इसके साथ हो गया -1, तो ये हो जाएगा -2। सही है, ये आपका फर्स्ट डेरिवेटिव हो गया। अब इसका सेकंड डेरिवेटिव भी कर लीजिए लगे हाथ। अब सेकंड डेरिवेटिव है तो देखो दो बार प्राइम हो गया, तो ये माइनस ऑलरेडी था, माइनस एक और बार नीचे उतरा, और इसके साथ -1 एक और आ गया, तो माइनस माइनस प्लस ये 3 हो जाएगा, तो आपका क्या आ गया 2x की पावर -3। अब थर्ड टाइम डेरिवेटिव कर लीजिए। थर्ड टाइम डेरिवेटिव क्या होगा, ये 2 हो गया, ठीक है, और -3 पावर जो थी वो बेस में आ गई, और -3 के साथ -1 आ गया, तो आपके पास क्या आ रहा है -6x की पावर -4। अच्छा, अब आपने क्या करना है, अपना x = 1 पुट करना है, जैसा कि आपको कंडीशन दी हुई थी। तो जब आप x = 1 पुट करोगे तो 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही रहता है, मगर आपको आपका आंसर यहाँ नज़र आ जाएगा जो कि है -6। तो पहला जो आपका सोल्यूशन मिला, पहले वाले का सोल्यूशन मिला आपको -6, जो कि बी है। बुक से भी कंपेयर कर लेंगे ताकि और अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाए। चलो पहला समझ में आ गया, तो अब इसके बाद हम आगे की तरफ फर्दर मूव करते हैं। MCQs करते वक्त वर्डिंग लिखने की ज़रूरत नहीं आती है हमें, क्योंकि हमें सिर्फ आंसर बताना है। अच्छा, अब आपको कह रहे हैं व्हाट विल बी द nth डेरिवेटिव ऑफ 2e की पावर x। अच्छा देखो, ये आपको दिया हुआ है। nth डेरिवेटिव पता है क्या है, आप मल्टीपल टाइम डेरिवेटिव लेते रहो, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इस तरह चलता ही रहेगा, तो उसे हम कहते हैं nth डेरिवेटिव। यानी शुरू हो गया, ख़त्म कहाँ करना है ये नहीं पता। इससे पहले वाले सवाल में उन्होंने कहा था ना 3 टाइम, लेकिन यहाँ का nth टाइम, यानी बस डेरिवेटिव लेते रहो। तो देखो, अब इसका आपने nth डेरिवेटिव बताना भी है कि इसका nth डेरिवेटिव होगा क्या। देखो, इसका nth डेरिवेटिव यही है। सही है, कैसे, फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव लेके चेक करो। देखो, पहली टाइम डेरिवेटिव लोगे कांस्टेंट का, तो आप डेरिवेटिव नहीं लेते ना, जस्ट डेरिवेटिव क्या होगा e की पावर x में क्या डेरिवेटिव बनेगा, जो भी पावर में है वो आगे आ जाए। ये क्या बना, 1 बना। तो आपने जब पहली टाइम डेरिवेटिव लिया, जो था वही आ गया, अगेन डेरिवेटिव ले लो तो फिर वही करना पड़ेगा, फिर 1 आ जाएगा, और फिर ये 2e की पावर x। तो जितनी भी टाइम डेरिवेटिव ले लो, 2e की पावर x, हमेशा 2e की पावर x मिलेगा। चाहे आप करके भी चेक कर सकते हो, 10 टाइम भी करके देख लेना। ठीक है, तो ये आपका आ गया सी, 2e की पावर x। ठीक है, बस इन्हीं चीज़ को जो है आपने समझना है, बाकी तो देखो ये इतना कोई मुश्किल काम नहीं है। अच्छा, अब इसके बाद हम करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा, ये आपको कह रहे हैं x, y और k का स्क्वायर, इसका आपने लेना है डेरिवेटिव। इसका क्या लेना है, आपने डेरिवेटिव लेना है। अच्छा, कितनी टाइम डेरिवेटिव लेना है ये भी देख लो, ताकि आपको बात जो है वो और अच्छी क्लियर हो जाए, और अच्छी बात जो है वो समझ में आ जाए। अच्छा देखो, 2 टाइम डेरिवेटिव लेना है, y के ऊपर डबल प्राइम, इसका मतलब है 2 टाइम डेरिवेटिव। अब देखो, y को सेपरेट कर लो ताकि फिर आप डेरिवेटिव ले सको। याद रखना, k स्क्वायर कुछ नहीं है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट हमें तंग नहीं करता डेरिवेटिव में। ठीक है, बात समझ आई ना।
तो इसको ऐसे लिख लो डेरिवेटिव लेने से पहले, ये कांस्टेंट है तो इसको डेरिवेटिव नहीं होगा, जस्ट इसको देखना पूरे डेरिवेटिव में। अच्छा तो देखो क्या होगा, फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव ये वन लिख रहा हूँ, इससे समझ जाना फर्स्ट टाइम हुआ है, और ये प्राइम भी लिख रहा हूँ तो पता चल जाएगा के का स्क्वायर, क्योंकि ये कांस्टेंट है तो एज इट इज आ जाएगा, माइनस आगे आ जाएगा, माइनस वन आगे आएगा तो बेसिकली माइनस आ जाएगा, तो माइनस टू हो जाएगा। अब सेकेंड टाइम डेरिवेटिव, तो माइनस तो पहले से था, माइनस टू आगे आ गया, के स्क्वायर एक्स माइनस टू माइनस वन, तो ये सेकेंड टाइम डेरिवेटिव आया 2k स्क्वायर अपॉन एक्स की पावर माइनस थ्री, है ना। लेकिन देखो पावर नेगेटिव में हो अच्छी बात नहीं मानी जाती मैथ में ना, तो एक्स क्यू। अब ये इसीलिए कि भाई देखो अक्सर क्या होता है, ये नेगलेक्ट हो जाता है गलती से ना, नज़रअंदाज हो जाता है, नेगलेक्ट से मुराद नज़रअंदाज होना है मेरे रिस्पेक्ट से। अब देखो ये मैं एक्स की पावर माइनस थ्री लिख तो रहा हूँ, लेकिन इसे मैं जब बार बार मल्टीपल टाइम लिखूंगा ना, तो कहीं ना कहीं ऐसा होगा कि आपको एक्स की पावर थ्री मिल रहा होगा, वो माइनस में गलती से हटा दूंगा। तो अगर ये डिनोमिनेटर में लिखा हुआ फिर मिस्टेक होने के चांसेस कम है, तो इसलिए इसको डिनोमिनेटर में रखते हैं, पावर को नेगेटिव नहीं रखा जाता। तो आपका जो आंसर आ रहा है वो आपका सही डी आ रहा है, डी ये हमारा आई थिंक सी था, और ये हमारा आ रहा है 2x² अपॉन एक्स क्यू। माइनस प्लस का बड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि इसी के मिलता जुलता ना आई थिंक आपके पास ए बी है बी, लेकिन अभी हमारा डी आ रहा है, अभी हम डी पर पहुंचे हैं। बुक से मैच भी कर लेंगे आखिर में ना, ताकि फिर हमें पता चल जाए कि हमने काम सही किया या गलत किया, डी क्योंकि बुक में ए बी सी डी करके लिखा हुआ है। 2x का आपने थर्ड डेरिवेटिव थर्ड ऑर्डर लेना है। देखो थर्ड ऑर्डर का मतलब पता है क्या है, आप डायरेक्ट थर्ड ऑर्डर तक नहीं जा सकते, पहले आपको क्या करना होगा, फर्स्ट डेरिवेटिव फिर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फिर थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव आएगा, ये याद रखना। अच्छा आपको पीछे मैंने कंडीशन पढ़ाई थी, आई होप आपको याद हो कि जब भी कांस्टेंट की पावर वेरिएबल हो एक फार्मूला लगता है, वो फार्मूला क्या होता है, अगर ए की पावर एक्स है, ए इज़ अ कांस्टेंट एक्स इज़ अ वेरिएबल, तो उस सिचुएशन में फार्मूला क्या था कि ए एक्स एज इट इज़ आ जाता है और जो भी एक्स होता है वो एल एन के साथ आ जाता है, ये फार्मूला याद रखना। अगर आपके पास कांस्टेंट की पावर वेरिएबल है तो ए एक्स एज इट इज आ जाएगा, जो पावर है वो एल एन के साथ लिख दी जाएगी। तो अब इधर भी यही काम करते हैं, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होगा कि ए सॉरी फर्स्ट ऑर्डर ए तो हमारा 2 है ना, तो 2 आ गया हमारा, पावर एक्स हो गई, अभी फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव चल रहा है आपके पास, सही है। उसके बाद मेरे पास क्या हुआ, एल एन 2 हो गया। अब थर्ड सेकेंड डेरिवेटिव में क्या होगा कि जो ये आपका एल एन 2 है दोबारा रिपीट होगा, तो रिपीट होगा तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करा दो, स्क्वायर हो जाएगा। देखो ए एक्स तो एज इट इज 2x तो एज इट इज आ जाएगा ना फॉर्मूले के मुताबिक, और एल एन 2 का स्क्वायर पहले से मौजूद है, मगर ये जो x है ये आपके पास ऐसे आ जाएगा, तो देखो बेसिस सेम पावर हैं तो ये ऐसे होगा, ठीक है। अच्छा अब देखो ये किस में दिया हुआ है आपको, इस फॉर्म में तो आंसर दिया हुआ ही नहीं है, कोई मसला नहीं है। देखो e की पावर एल एन और यहाँ पर कुछ भी हो उससे टेंशन नहीं है, कैंसिल होके दोबारा क्या आ जाएगा, जो आपके पास ब्रैकेट में था वही आ जाएगा। तो क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता 2x e की पावर एल एन 2 और इसके ऊपर q, क्या ऐसे नहीं लिख सकता मैं, बिल्कुल लिख सकता हूँ, ठीक है। तो मैंने इसको इस तरह से लिख दिया। अच्छा एक मिनट, इन्होंने इसको ऐसे नहीं लिखा है, इसको थोड़ा सा बेहतर कर लो, इन्होंने इसको ऐसे नहीं लिखा है, इन्होंने इसको लिखा है एल एन में, इन्होंने इसको एल एन में कन्वर्ट करके लिखा है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। ये तो एज इट इज आ गया एल एन 2 की पावर 3, ये एज इट इज आ गया, इसको भी कर सकते थे लेकिन उन्होंने इसको करा नहीं है, ई की पावर एल एन आ गया और 2x, ये आपका जो है वो इस तरह लिखा इन्होंने, ठीक है। तो आगे कंटिन्यू करते हैं, देखें इसमें कंफ्यूज ना होइएगा, आपको पता है ई और एल एन कैंसिल हो जाएगा तो दोबारा 2 की पावर एक्स ही आ जाएगा, तो कुछ कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। अच्छा आपको पता है एल एन क्या करता है, पावर को आगे ले आता है, तो एल एन 2 3 ई 2 सॉरी एक्स है
XLN2। तो ये आपका आंसर आ रहा है और आई होप ये आंसर आपको इन्होंने शायद बी में दिया हुआ है। ठीक है, बी इसका सही है। तो देख लेते हैं, LN2 पावर क्यूब और फिर EXLN2, तो बिल्कुल ये बी बन रहा है आपके पास। बी नहीं बन रही है आपके पास, ये सी बन रहा है। बल्कि देखो बहुत करीब करीब हैं, अगर आप देखो ना जल्दबाजी में अगर करोगे तो मिस्टेक हो सकती है। देखो पूरी चीज़ सेम है बी और सी में, जस्ट इसका फ़र्क है। बी में आपको ये 3 लिखा हुआ है और सी में वाजे 2 लिखा हुआ है। तो हमारा बन रहा है LN2 की पावर क्यूब EXLN2, तो हमारा सी आया है। तो इस चीज़ का बड़ा ध्यान रखिएगा आप भी, क्योंकि देखिए मिलता जुलता बहुत है और ये कन्फ्यूजिंग होते हैं। इसमें डबल मसला आता है, एक तो निकालने का और ऊपर से फिर दूसरा के गलती ना हो जाए। वह MCQ 5 जिसमें कहते हैं आपने सेकेंड ऑर्डर डेरीवेटिव बताना है। अच्छा, अब ऑर्डर का मतलब दो टाइम डेरीवेटिव किसका, इसका डेरीवेटिव करना है आपने कि f फंक्शन दिया हुआ है fx, a sin x plus b cos x। अच्छा एक बात याद रखना, a और b कांस्टेंट हैं तो उसमें आप टेंशन नहीं लेना, सही है। तो देखो sin का डेरीवेटिव क्या होता है, cos, तो ये हो गया a cos x। अच्छा डेरीवेटिव ले लिया तो ये लगा दो। अच्छा cos का डेरीवेटिव क्या होता है, माइनस sin, तो प्लस माइनस माइनस हो गया, डायरेक्ट लिख दो sin x। अच्छा अब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव हो जाएगा आपका, तो कॉस का डेरिवेटिव क्या आ गया, माइनस साइन। ठीक है, तो माइनस आगे लिख लिया, साइन लगा दिया। साइन का डेरिवेटिव क्या होगा, जस्ट कॉस। देखो माइनस माइनस है तो कॉमन निकाल लो, तो माइनस आ गया ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स। अब देखो ए साइन एक्स कॉस एक्स इसी के बराबर है ना, a sin x plus b cos x, और ये क्या दिया हुआ है, fx। तो अगर आप सेकंड डेरिवेटिव लेते हो जो आपको फंक्शन दिया हुआ है, तो आपका दोबारा जो है वो माइनस में fx रिपीट हो जाएगा, नज़र आया ना आपको। तो इसी फॉर्म में इन्होंने इसका आंसर दिया हुआ था, तो इसका आंसर इन्होंने सही दिया हुआ है बी। बी इज़ आवर करेक्ट आंसर, सही है। चलो अब आगे चलते हैं, बस सोल्यूशन इसके छोटे छोटे हैं, बाकी तो ये इतना कोई मुश्किल नहीं है, सोल्यूशन है बस छोटे छोटे इसमें। और हाँ, आप इसको अंदाजे से नहीं निकाल सकते, आपको सोल्यूशन करना पड़ेगा। उसके लिए फिर आपको पता है कि आपको मिल जाता है सोल्यूशन करने का वक्त। अच्छा अब 6 करते हैं, 6 बहुत आसान है। मैंने आपको बताया था कि डबल डेरिवेटिव अगर आप पोजीशन का ले रहे हो तो वो आपके पास एक्सेलरेशन बनती है। इससे पहले वाली एक्सरसाइज में हमने इस चीज़ को पढ़ा था, ठीक है। और अगर फर्स्ट डेरिवेटिव होता तो ये वेलोसिटी बन जाती, डबल डेरिवेटिव है तो ये एक्सेलरेशन है। अच्छा बहुत आसान दिया हुआ है, y इज इक्वल टू tan इनवर्स x, x की वैल्यू आपको 1 पुट करनी है। लेकिन जब आप डबल डेरिवेटिव कर लो किसका, इसका। अब देखो सबसे पहले तो मुझे फर्स्ट डेरिवेटिव बताओ, डबल डेरिवेटिव लेना है आपने या सेकंड, लिख लो सेकंड डेरिवेटिव। फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होगा, फर्स्ट डेरिवेटिव में आपके पास ये चीज़ हो जाएगी 1/1 + x², ठीक है। ये चीज़ आप पढ़ चुके हो आई होप, ये हमने बिल्कुल जब ये डेरिवेटिव का चैप्टर शुरू किया था तो उस वक्त पढ़ा था, बिल्कुल स्टार्ट में हम इसको पढ़कर आए हैं कि tan इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1/1 + x². अब इसका डबल डेरिवेटिव ले लो। अच्छा अब डबल डेरिवेटिव लेने से पहले इसको ऊपर लाना पड़ेगा आपको, 1 + x² इनवर्स हो जाएगा, सही है। अच्छा आगे अब इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव कर लेते हैं, तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में क्या होगा कि माइनस आगे आ जाएगा, ये हो जाएगा 1 + x² और इसके साथ माइनस 1 हो गया तो -2। अब विदाउट पावर डेरिवेटिव भी लेते हो तो विदाउट पावर डेरिवेटिव क्या होगा, d/dx, तो 1 + x². अच्छा अब इसको ज़रा नीचे ले आओ, डिनोमिनेटर में ले जाओ ताकि पावर पॉजिटिव हो जाए, और माइनस इधर ही रहने देना। इसका डेरिवेटिव ले लो, तो 1 का डेरिवेटिव 0, 2x आ गया आपके पास, ठीक है। और ये आ गया 1 + x² और स्क्वायर, समझ में आया ये कैसे बना। इसको मैंने डिनोमिनेटर में ले गया तो पावर पॉजिटिव हो गई, 1 + x² एज इट इज रहा, इसका डेरिवेटिव 2x आ गया। अब x की वैल्यू आपने 1 पुट करनी है जैसा कि आपको पता है, तो -2 और ये 1 आ गया, और 1 + 1² और होल पर स्क्वायर, तो ये हो गया आपका -2/4। इसको सॉल्व करोगे तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 2 का स्क्वायर 4, तो ये आ रहा है आपका -1/2। -1/2 आ रहा है जो कि -1/2
इन्होंने आपको दिया हुआ है ए में, तो माइनस वन अपॉन टू यानी मीन ए ठीक आया हमारा, और यहाँ पर हमारा क्या ठीक आया था, सी। सही है। अच्छा देखो ये जो सीरीज़ दी हुई है, मैं डायरेक्ट बता देता हूँ, ये आपको साइन एक्स की एक्सपेंशन दी हुई है। अगर आप मैक्लॉरिन लगाओगे तो ये एक्सपेंशन आ जाएगी, और नवे का जो है वो बी है आपके पास। देखो वो सॉल्व करा नहीं सकता उसमें मैं, तो वो बी है, ठीक है, डायरेक्ट बी लिख रहा हूँ। यानी कहा क्या जा रहा है बता देता हूँ, अ फंक्शन एफ एक्स इज सेट टू बी डिक्रीजिंग। आपको कह रहे हैं फंक्शन एफ एक्स डिक्रीज हो रहा है, यानी कम हो रहा है, एक्स वन छोटा है और एक्स टू बड़ा है, तो इसका मतलब क्या है कि एफ एक्स एफ फंक्शन एक्स वन ग्रेटर है, एफ फंक्शन एक्स टू लेस है। अच्छा उसके बाद आखिरी भी इन्होंने ऐसे ही दिया हुआ, टेन वाला भी पढ़ देते हैं। ये भी ए है और ये बी है। टेन वाला इन्होंने दिया हुआ है, इफ़ अ फंक्शन एफ एक्स, आपने पीछे पढ़ा होगा, आपको याद होगा, मैं बता देता हूँ कि अगर आप डेरिवेटिव ले रहे थे और वो ज़ीरो आ रहा था तो हम क्या स्टेशनरी पॉइंट की बात कर रहे थे ना इसमें, तो सी आएगा इसका। तो ये इसके आंसर्स थे, आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। आज के लिए यहीं तक रखते हैं, इसको अपने पास नोट डाउन कर लेना। अच्छा मैंने कहा था मैं आंसर मैच करा दूँगा बुक से, तो बुक हैगी मेरे पास, मैच कर लेते हैं इसके आंसर्स, ठीक है। ये बुक मैं आपको ए बी सी डी करके दिया हुआ, सोल्यूशन नहीं दिया मैं, तो बी सी डी सी, पांचवे का भी बी और सी ए, और सातवें का ए, आठवें का ए और बी सी, सही है, सही दिया हुआ सारों का। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। अपनी किंतु